चौथी क्लास में पढ़ने वाले आर्य के मन में आखिर इतनी महत्वाकांक्षा कहाँ से आई? ये मौलिक है या फिर माता पिता के सपनों के बोझ तले दबते बचपन की गवाह, जहाँ बच्चों की हर छोटी बड़ी मांग पूरी करने के बदले मम्मी पापा पहले ही 90% नंबर की डिमांड रख देते हैं, और उसी डिमांड को पूरी करने के लिए क्या बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन कोचिंग के लिए मजबूर कर दिया जाता है? इस सवाल का जवाब हमने पूछा दिल्ली में पेटल्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की चेयरपर्सन प्रीति क्वाटा से। एक बच्चे की मानसिकता को भी समझना बहुत जरूरी है। एक बच्चा जो कुछ करना चाहता है उसको सोचने के लिए पेरेंट्स स्पेस नहीं देते हैं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम तो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, हम तो इसका भला ही चाहते हैं। इसी होड़ में वो बच्चा बेचारा 3 बजे स्कूल से आता है, 1 घंटा फ्रेश भी नहीं होता, अपना खाना वाना खाता है और उसके बाद उसके ट्यूशन का टाइम हो जाता है। पहले इंग्लिश की ट्यूशन होता है, फिर बच्चा जब घर आता है अब उसके मैथ्स के सर आने वाले हैं, मैथ्स के सर आने वाले हैं, उसके बाद उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए जूडो सीखने जाना है। तो जूडो सीखना ही नहीं है, उसमें चैंपियन बनना भी बहुत जरूरी है, चैंपियन बन के मेडल लाना भी बहुत जरूरी है। वो बेचारा बच्चा कहता है कि जब वो पंच मार रहा होता है कि उसने ठीक मारा है नहीं मारा, कोच बाद में चेक करता है, पहले मम्मी की शक्ल देखता है कि मम्मी कुछ कहते नहीं रही। ये महत्वाकांक्षा कोई बड़े शहरों के ही घरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों की सबसे गरीब 20% आबादी में से भी 17% घरों के बच्चे निजी ट्यूशन को तरजीह देते हैं। शहरी इलाकों में साधारण घरों के 48% से कुछ ज्यादा परिवार बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग